कैसा लग रहा है जरूर बताना। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बाहर जाकर भी दिखाती हूँ। स्वाद भी खा के सो चुके हैं, कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, बाकी सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं और आदमी का रूम भी सेट कर दिया है, बर्तन भी धुल दिया है, फटाफट इसे फोल्ड कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो व्लॉग आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट क्या आप मेरे फेस पे मेकअप देख पा रहे हैं? यस। तो जो कल मैंने नायका हॉट पिंक हॉट सेल का प्रोडक्ट दिखाया था ना, और मेरे पास जो पहले से ही थे, तो मैंने उससे ये लुक क्रिएट किया। वन सेकेंड, मैं रिमूव माई स्पेक्स और आप लोग बताओ मैंने कैसा मेकअप किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेकअप नहीं आता, ये तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा था और उसी से सीखा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेकअप इज़ अ आर्ट, सब नहीं कर सकते। अभी देखो थोड़ा सा इधर से सही करना है, बट आई थिंक आई डिड अ प्रिटी गुड जॉब, है ना। तो थोड़ा हाइलाइटर लगाया है, ब्लश लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, लाइनर के अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। सो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसलिए मैंने थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने बोला कि चलो भाई थोड़ा सा फटाफट काम कर लेंगे और जो मेकअप है उसको थोड़ा लगा के देखेंगे कैसा है। अगर आपको इस मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं इसका वीडियो भी बना सकूं कि कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक है, बट मैं देख रही थी कि मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं मेकअप की कि पार्टी लुक दूंगी या न्यूड टाइप का, लाइक रेगुलर वेयर टाइप्स या कैसा। सो आप सब जगह से देखो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है देखो, थोड़ा बाहर जाकर भी दिखाती हूँ। मेरे पास तो मेकअप फिक्सर नहीं था, बट आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब, दिख रहा है देखो। लो लाइट में भी मतलब से बाहर भी ऐसा बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा, बट आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब, है ना। इधर से भी देखो, उधर से भी देखो, है ना, अच्छा किया। चलो फिर अंदर चलते हैं और देखो इधर से देखो हम। सो आई थिंक मैंने अच्छा काम किया, मेरे एज अ बिगिनर और एज अ फर्स्ट टाइम इतना मेकअप किया है खुद से। मतलब मैं तो पार्लर में मेकअप करती हूँ, जब भी मुझे रेडी होना होता है मैं तो पार्लर में ही रेडी होती हूँ, हे भगवान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एटलीस्ट सीखा जाए, ताकि मैं जब छोटे मोटे फंक्शन रहे ना, तो छोटे मोटे घर में पार्टी रहे, जैसे आदमी का बर्थडे था तो उस समय भी मैं सजी थी, एटलीस्ट ऐसा ही कुछ उन्होंने मुझे तैयार किया था, तो मैं तो ये खुद से तैयार होगी, है ना। अच्छा अच्छा लग रहा है, नहीं जैसा भी लग रहा है कमेंट करके बताओ। और मुझे क्या ये सेक्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, और हेयर स्टाइल में मेरे छोटे वाले तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी मेकअप में एक्सप्लोर कर रही थी। आप लोग कमेंट करके बताओ मैंने कैसा मेकअप किया, तो सो दैट इट शुड बूस्ट माय एनर्जी एंड मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मुझे इस सेक्शन में भी एक्सप्लोर करना चाहिए, आई थिंक। बट मैंने अच्छा किया मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग भी बताओ कैसा किया मैंने। और आज क्या करना है, आज का प्लान ये है कि कल आदमी का एडमिशन है ना, सो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और उसके फ़ोटो कॉपीज लेने हैं, सो मैं वही करूँगी। आज थोड़ा वॉक भी करेंगे और जाएंगे जेरोक्स निकाल के लाएंगे। तो जेरोक्स अभी नहीं जाएंगे, अभी तो आदित्य सो रहा है, तो जब डैडा आ जाएंगे ना तो फिर मैं जाऊँगी उस समय मैं खुद ही। और मैं सोची थी थोड़ा आईब्रोज भी बना लो, देखो थोड़ा इधर उधर तो निकल रखा है, सो आईब्रोज बनाएंगे और जेरोक्स निकाल के लाएंगे। और अभी के लिए क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा अपने आप को देख देख के खुश निहारूंगी तो कि मैंने इतना अच्छा किया। मेरे को ए बी आती थी विच इज़ लाइक लाइनर मस्कारा बट आई एंड लिपस्टिक, बट आई थिंक मैंने अच्छा किया और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा पे कितना अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो में इतना अच्छा आ रहा है कि नहीं, बट सामने से इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी एज एन लाइक वेरी प्रिटी, आई एम लुकिंग सो प्रिटी। मेकअप आपकी ब्यूटी को और इन्हांस करता है इसलिए, बट रेगुलर तो मैं नहीं हैंडल कर सकती क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ, बट आई थिंक धीरे धीरे हो जाऊँगी और आई एम लाइकिंग इट। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को, भाई साहब उठ गए हैं, चलो शूज़ पहनो, ब्रेड ले आएंगे, तो शूज़ पहनाएंगे, ब्रेड ले आने जा रही हूँ, पहनो चलो जल्दी चलो। सो ब्रेड ले आएंगे और उसके बाद आदमी को जो वेजिटेबल बॉइल किया वो खिलाएंगे। मम्मा का हाथ पकड़ो जल्दी, चलो गुड बॉय, चलो गुड बॉय, हाथ पकड़ो जल्दी, हाथ पकड़ो, हाथ छोड़ के नहीं चलना बेटे।
ने ब्रेड लिया है, भाई साहब ने नमकीन लिया है। चलो जल्दी बेल बजाओ बेल बजाओ। तो इनको टोस्ट करके देंगे, पहले वेजिटेबल खिलाएंगे। बारिश आने वाली है, कैसे जाऊंगी मैं? अभी तक डैडा नहीं आया, सोचा था डैडा आएंगे तो आदमी को देख के मैं जाती। क्या साढ़े पाँच हो रहा है अभी, कॉफ़ी भी ख़त्म हो गया है, कॉफ़ी ले आऊँगी और ऑब्वियसली ये मेकअप निकाल के जाऊँगी। मैं ऐसे पब्लिक में इतना मेकअप तो घर पर ठीक था। सो एनी वेज चलो फिर आदमी को पहले खिला देते हैं, भूख लगी है। ये भाई साहब पीछे पीछे आ रहे थे ना, पीछे बोली तो देखो आगे आगे भाग गया। जाओ जल्दी बेल बजा दो, टिंग टोंग। उसको पता है कि उसका कॉर्नर किधर है। चलो 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 गाइस, आदमी को मैंने वेजिटेबल्स खिला दिया है और ब्रेड को टोस्ट किया था जो मैंने खाया है। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो कॉफ़ी पी नहीं पाई। सो अभी डैडा आ रहे हैं, वो गेट तक पहुँच चुके हैं तो उन्हें पहुँचने में 15 मिनट लगेगा। तो मैं फटाफट ये मेकअप रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इतना लाउड, ये लाउड नहीं है मतलब लोग जाते हैं इतने मेकअप में बाहर, बट मेरे को अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा क्योंकि इतने यूज टू नहीं हो ना मैं। सो आई जस्ट रिमूव दिस। और ऊपर से मुझे थ्रेडिंग भी बनानी है, तो थ्रेडिंग बनाने के लिए जो मैंने थोड़ा सा आई पेंसिल डाला है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा। सो आई रिमूव एवरीथिंग सो दैट आप देख सकते हो विदाउट मेकअप ऑल्सो मेरा चेहरा। सो ये फटाफट निकाल देते हैं और रेडी हो जाते हैं। जेरोक्स निकालना है और थ्रेडिंग बनाना है मुझे, सो वो करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। तो गाइज ये है मेरा ओरिजिनल लुक, अभी सिर्फ मैंने लगाया है टोनर और मॉइस्चराइजर और सीरम भी है और लिप केयर, कुछ भी नहीं, लाइनर मस्कारा कुछ भी नहीं लगाया अभी तो, क्योंकि बाहर जा रही हूँ फिर आके फिर से निकालना मेकअप तो मौज नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत आलसी हूँ मेकअप के मामले में। मेरे फेस पे कहीं आपको पैचेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डार्क सर्कल मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना लंबा जगती भी हूँ, मोबाइल पर रखती हूँ और कम सोती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं पीती, तो इस वजह से डार्क सर्कल्स हैं। उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप लोगों को कम दिख रहे होंगे बट ज़्यादा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अभी डैडा का तो कॉल आया था कि आ जाऊँगी, 15 मिनट से ऊपर हो गया अभी तक डैडा आए नहीं। मुझे लगता है मुझे ये निकल जाना चाहिए क्योंकि फिर लेट हो जाएगा चल के जाना ना, एक बार पहले फ़ोन कर लेती हूँ फिर देखते हैं क्या है सीन। डैडा नहीं मानने वाले, बोलते हैं मैं भी चलूँगा। मैं कहा मतलब थोड़ा चलने भी नहीं देते हैं। मैं बोलो आदमी को संभाल लो, मैं थोड़ा सा होके नहीं मैं भी चलूँगा, मैं उसको नहीं संभाल सकता, ऐसा तो उनकी बात ही रहती है। चलो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आधे रास्ते एटलीस्ट थोड़ा तो चल लूँ, तो थोड़ा चलूंगी और आधे रास्ते से डैडा पिक करेंगे। क्या क्या लेके आए भैया? बेबी डैडा को पहचान रहे हो? चलो वाह, कहाँ है हमारी गाड़ी, कहाँ है ये? रात हो गई बेटे। तो अभी चलते हैं घर, बताती हूँ कि क्या कांड हुआ है और क्या क्या लिया हमने। वाह, चलाइए ड्राइवर साहब घर चलिए, मूड एकदम खराब है मेरा लेकिन फिर भी चलिए। ये थ्रेडिंग वाली के चक्कर में एकदम मेरा बाल बाल गए रहे हैं, थ्रेडिंग खराब करके रख दी। चलो जल्दी चलो घर चलो, फिर दिखाते हैं क्या कहना है। डैडा भी ले आए सामान, चलो अभी तुमको राइम्स गाना है। चलो देखो भाग के गया डैडा, अभी पार्क कर रहे हैं तो भाग के जा रहा है। आ जाओ, हम घर आ गए। सबसे पहले तो ये जो नहीं लेना था हमने वो लिया शुगर, वो इसलिए क्योंकि डैडा ले आए थे ये चाय के साथ खाने के लिए और साथ में बिस्किट। सो ये देख लिया था मैंने तो शुगर आज ही ख़त्म हुआ, तो फिर मैं सोची तो नहीं लाऊंगी लेकिन फिर भी, और चाय की पत्ती छोटी वाली। फिर आद्विक के लिए हमने लिया ये चीज़ स्लाइसेस और साथ में ये मोज़रेला चीज़ ले लिया मैंने कि चलो ठीक है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये खिलाऊंगी। चिप्स नहीं है, दो दो कर रहे हो। सो गाइस कांड ये हुआ कि जब मैं थ्रेडिंग बनाने के लिए गई थी ना, वो थ्रेडिंग वाली बंदी जो थी ना, मतलब मैं कहीं और से बनाती हूँ और कभी कभी मैं उसके यहाँ जाती हूँ, सो इतनी जल्दी में थी कि वो ठीक से थ्रेडिंग देखो क्या किया इसने, इधर का एकदम गड़बड़ कर दिया है ना, बना भी नहीं रही थी। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। सो फिर मेरी उससे फाइट भी हो गई, काइंड ऑफ फाइट क्या मतलब बहस करने लगी मेरे से, तो इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया वहाँ पे। उसके बाद हमने जेरॉक्स कॉपी निकाल दिया सारा कल फॉर्मेलिटी करने के लिए। फिर उसके बाद हमने खरीदा शुगर और उसके बाद चाय की पत्ती, ये डैडा खाएंगे ना चाय के साथ, और ये बिस्किट्स लाए थे तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी चाय की पत्ती खत्म, कॉफ़ी भी खत्म हो गई थी, कॉफ़ी मिली नहीं बट एनी वेज कोई बात नहीं। और आदमी के लिए चीज़ लिया हमने। सो थ्रेडिंग देखो कैसा बनाया है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, तो ऐसे कर दिया इसने गड़बड़। एक तो थ्रेडिंग मैं एक ही काम तो कराती हूँ पार्लर जाके, थ्रेडिंग और थोड़ा सा कभी कभी हेयर कट। हाँ सो
कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आदमी के एडमिशन के लिए जो हम लोग कल कराएंगे, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आई थिंक बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया है अभी, तो इसलिए आदमी पे वो गुस्सा मैं नहीं निकालती, मैं किसी का भी गुस्सा किसी पर नहीं निकालती। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, तो बस अभी आदमी के लिए कुछ बनाएंगे फटाफट, क्योंकि डिनर टाइम हो गया, बज रहा है 8, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। डैडा के साथ मुझे बिल्कुल जाना पसंद नहीं है इसी वजह से, क्योंकि वो आदमी को भी पार्लर में मेरे साथ छोड़ दिए थे। मैं बोली पकड़े रखो, बिस्किट चाहिए कराए, दो दो दो, देरी बेटे अभी खाना करो फिर खाना ये। सो वो पार्लर में भी छोड़ दिए मेरे साथ, इतना गुस्सा आ रहा था, पकड़ नहीं सकते हैं। तो एक तो लूसे फाइट मेरी चली रही थी, फिर साथ में ना पार्लर में किसी का बच्चा आया तो वहाँ पर सुसू कर दिया। हाँ, इस वजह से भी मेरी फाइट हो गई, क्योंकि फिर वो आदमी को बोली, आदमी को सुसू कर दिया। मैं बोली भाई, मैं तो जब बाहर बच्चा लेके जाती हूँ तो मैं अभी उसको ठंडा भी है इस वजह से डायपर भी रखती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो अभी डायपर रखती हूँ मैं उसको। तो बोल रही मेरा बच्चा क्या, मेरे को इतना गुस्सा है। मैं बोली मेरा बच्चा अभी डायपर में है और वो सुसू नहीं किया है। तो फिर उसके बाद एक बच्चा था जिसने सुसू किया था, तो वो बोल भी नहीं रही थी, मम्मी भी बोल नहीं रही थी, तो वो चिल्ला रही थी पार्लर वाले की किसका है बच्चा है, सुसू कर दिया, समझाते नहीं है ये करके। और बच्चा है यार, सुसू कर भी दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है, तो आप बच्चे को चिल्ला थोड़ी ना सकते हो। तो इस वजह से भी मेरी फाइट हो गई, इस वजह से भी मुझे गुस्सा आ गया। चलो एनीवेज, तो अभी आदमी को कुछ खिलाएंगे, कुछ बनाती हूँ, चीज़ वगैरह भी खत्म हो गया था तो अभी लेके आई हूँ। बेटा नहीं खाओ, ऐसे नहीं खाओ। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है। और आज का मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करो, फिर ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को भी कुछ खास तो पता नहीं था, बट आई थिंक मैंने अच्छा ही किया था। सो और मैं आगे जाके टिप्स एंड ट्रिक्स जो छोटे छोटे हैं वो शेयर करती रहूंगी, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चाहिए क्या। चलो फिर आई सी यू गाइस टुमारो, पे भी टाटा कर दो पहले, अभी इसने कांड कर दिया ना, अभी मैं इसको साफ करना पड़ेगा। चलो देन, बाय 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 बाय। We'll be right back.